दोस्तों द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को ललकारने के बाद अब क्या होगा अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ? क्या ब्रॉक लेसनर से अपना बदला लेने के लिए कोडी रोड्स ने जाल बिछाया है, या फिर एक और बार ब्रॉक लेसनर फोड़ने वाले हैं कोडी रोड्स को? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को उसकी करियर की सबसे बड़ी ब्रूटल पनिशमेंट दी, जिसका जवाब देते हुए बीते रो के एपिसोड में अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा, मेरे इस पूरे कहानी में ब्रॉक लेसनर के नाम का शैतान की एंट्री हुई। मैंने ब्रॉक पर भरोसा किया और उसने मेरे भोलेपन का फायदा उठाकर मुझे ही तबाह कर डाला। किसी ने मुझे बताया कि लेसनर ने मेरा शिकार इसलिए किया क्योंकि वह रेसलमेनिया में हुए अपना मैच से खुश नहीं था। जो बदलाव मैंने WWE में लाया, मुझे लेकर रेसलमेनिया में जो हाइप बनी, उससे लेसनर को नुकसान होता। पर आखिर क्यों ब्रॉक लेसनर ने मुझ पे पीठ पीछे हमला किया? वह सामने से भी तो वार कर सकता था। जब ब्रॉक लेसनर खुद को आईने में देखता है तो उसे खुद में एक शिकारी नजर आता है, एक ऐसा शिकारी जिसने NCAA चैंपियनशिप, UFC चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप भी अपने नाम की। ब्रॉक लेसनर हम सभी को अपना शिकार के रूप में देखता है। जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, अंडरटेकर और उनकी स्ट्रीक, ये सब ब्रॉक लेसनर के शिकार बने। लेकिन क्या अब लेसनर मुझे भी अपना शिकार समझ रहा है? अगर ऐसा है तो इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, मैं ब्रॉक लेसनर से बहुत ज्यादा डरता हूँ, पर तुम सब सुन लो, जितने बार वह सांस लेगा उतनी बार उसे मारूंगा। जब जब वह हिलेगा डुलेगा तब तब उसे मारूंगा। और मुझसे लड़ने के बाद जब लेसनर खुद को आईने में देखेगा तो पहली बार उसे एहसास होगा कि उसने गलत आदमी से पंगा लिया। पहली बार वह खुद को किसी का शिकार बनते हुए देखेगा। ब्रॉक, मैं कहीं भी किसी भी वक्त तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तू आज यहाँ नहीं है, इसलिए बैकलैश में लड़ने के लिए मैं तुझे चुनौती देता हूँ। इस तरह से अमेरिकन नाइटमेयर ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया बैकलैश में सिंगल मैच के लिए चैलेंज कर डाला। और WWE ऑफिशियल अनाउंस कर चुके हैं कि आने वाले रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर अपनी वापसी करके कोडी रोड्स के इस बड़े चैलेंज को जवाब देगा। तगड़े चांसेस है कि अगले रॉ में एक बार फिर लेसनर के हाथों कोडी रोड्स की पिटाई होगी और बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए इन दोनों का सिंगल मैच कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा? आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।